हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेके आया एक नया प्रोडक्ट। ये भी है एक्सरसाइज के लिए। एक्चुअली लास्ट टाइम पे मैंने ट्रेडमिल ऑर्डर की थी, उस ट्रेडमिल में कुछ प्रॉब्लम थी जो मैं इसमें बताऊंगा क्या खासियत है। तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट है हमारा स्पारनॉट कंपनी का, जैसा कि इसकी पैकिंग है। अब मैं इसकी करता हूँ अनबॉक्सिंग और इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इस प्रोडक्ट में क्या खासियत है जो उस प्रोडक्ट में नहीं थी। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं जल्दी से। और आप बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में आज तक। तो एक्स्ट्रा आए हुए हैं जो उसमें नहीं थे, देखते हैं कहाँ पर लगाए जाएंगे। ये इसकी एसेसरीज है और इसमें ये माइक सिस्टम भी है, प्लस कुछ टूल्स हैं जो अभी आपको बताऊंगा और लास्ट में किसी यूज होते हैं। वाला हिस्सा यहाँ पे इसकी स्क्रीन लगी हुई है टाइप से, और ये इसका प्लग है। लो इसमें उसमें क्या अंतर था, वो फ्लैट मशीन थी, इसमें क्या है इंक्लाइन का ऑप्शन है। इसको हम अपने एंगल के हिसाब से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, बस इसमें ये खासियत है, इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर किया है। प्रोडक्ट इसके सपोर्टर हैं इसीलिए अभी नहीं रुक रही है। इसको यहाँ पर लगाया जाए तब ये यहाँ पर स्टे करेगी, इसीलिए गिर रहा है बार बार। तो मैं जल्दी से, इसकी अनबॉक्सिंग हो गई है, वही है ऑयल जो उसमें आया हुआ था डालने वाला। दूसरा ये इसका मैग्नेट है लगाने के लिए, तीसरा ये पैचेज है, और इसमें दो चीज़ एक्स्ट्रा है। पहला ये एक बुलेट टाइप का है जो साइड में भी इसको रोकने के लिए है, और दूसरा ये है एक केबल जिसको हम अपने फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं म्यूजिक सुनने के लिए, इसमें एक्स्ट्रा है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ यूज होती है। सबसे पहले तो खोलते हैं, इसका पैनल दिखाते हैं कैसा है। वाह, ये है इसका पैनल। अच्छा, इसको रोकने के लिए पहले इसका पेच निकालते हैं। और जो ये दो हैंडल आए हुए थे, ये लेफ्ट एल लिखा हुआ है उधर राइट का है, ये इसको सपोर्ट करने के लिए। इसमें यहाँ पे व्हील लगा हुआ है, इसका यूज प्रॉब्लम क्या है जब मान लो। अब इसमें खासियत क्या है पहले वाले से दूसरे वाले में, पहले वाले में क्या था वो नॉर्मल एक मशीन थी जिसको हम रख के यूज कर सकते थे। अब इसमें खासियत ये है कि जब हमें यूज नहीं करना है तो हमारा स्पेस बचाएगी। कैसे बचाएगी, हम इसको यहाँ से उठा सकते हैं और उठाने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे करके लगा देंगे। और जो ये वाला पेच है बड़ा वाला, ये पेच इसीलिए आया हुआ है कि इसको हम यहाँ इसको फिट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जब हम इसको यूज नहीं करेंगे तो हमारी मशीन कम स्पेस घेरेगी। पहली खासियत ये है। दूसरी खासियत इसकी ये है जो आप ही देख रहे हैं ना, ये जो सिस्टम लगा हुआ है ये क्या है इंक्लाइन का सिस्टम है। इस मशीन को हम 3 लेवल तक इंक्लाइन कर सकते हैं ऊपर नीचे, जो हमें एक हिल पे चढ़ने की फील देगी। उसमें क्या था फ्लैट था, इसमें हम थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, थोड़ा और ऊपर, जैसे इस टाइप से जिस टाइप से करना चाहें वैसे कर सकते हैं ऊपर नीचे करके। और बकाया सेम है, ये इसके पेचेज हैं। और एक बार मैं आपके सामने ट्राई करके देखता हूँ। इसकी मैग्नेट है, ये लगा दी, ये इसका स्विच है, और ये स्टार्ट हो गई है। इसको अपने बॉडी पे लगा लिया हमने, और जैसे वो मशीन थी वैसे ये है। थोड़ा तो पैनल दिखाना है इसका, ये यहाँ पर ये इसमें क्या है, एक ये यूएसबी पोर्ट है, ये जो केबल आई हुई थी उस केबल को लगाने के लिए अपने एंड्रॉयड फ़ोन को हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए ये दे रखा है। म्यूजिक सुनने के लिए, म्यूजिक वगैरह सुनना है तो उसको यहाँ से सुन सकते हैं हम। ये यूएसबी पोर्ट है, यहाँ से मोबाइल को हम चार्ज कर सकते हैं। बकाया सारे सिस्टम वही हैं, स्टॉप स्टार्ट मोड स्पीड प्लस माइनस वॉल्यूम
सब कुछ इसमें सेम टू सेम वैसा ही है जैसा पहले वाला था। तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अभी ये ढीला है, इस वजह से हिल रहा है। एक बार मैं इसको टाइट करता हूँ, अब करते हैं इसको स्टार्ट। 3 2 1 और ये हो गया स्टार्ट। और यहाँ से स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं। और इस टाइप से हम भी रनिंग कर सकते हैं। तो उसमें और इसमें ये अंतर है कि ये थोड़ा इंक्लाइन है, वो ज़मीन से लगी हुई थी तो थोड़ी आवाज़ भी होती थी ज़मीन में चलने की। इसमें क्या है कि हम इसमें चल रहे हैं तो लग रहा है कि हम मशीन पे खड़े हुए हैं और ज़मीन से टच नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि तो इसमें दो सपोर्ट लगे हुए हैं ऑलरेडी, तो ज़मीन पर आवाज़ नहीं आती है। वैसे क्या था, नीचे वाले फ्लैट में लोगों को आवाज़ आती थी करने के लिए, तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। बकाया और कुछ नहीं है, सेम टू सेम है, वर्किंग सबकी सेम है। तो फिर और कोई क्वेश्चन अगर आपका हो इसके रिगार्डिंग तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बकाया हम जैसे जैसे यूज करेंगे ब्लॉग में डालते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय।